एक बार फिर से याद कर लो, आराम से याद कर लो, फिर बोलना। वैसी भाई जिंदाबाद। रो क्यों रहो बेटा, ये बताओ रो क्यों रहो। उन्हें अल्लाह अच्छी तरह से सलामत रखे और प्रधान बना दीजिए। सामईन अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इस्तकबाल है आपका निदा मीडिया यूट्यूब चैनल पर। नाज़रीन मजलिस के चाहने वालों से एक छोटी सी गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है। इस वीडियो को गौर से देखें और गौर से सुने कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की किस तरीके से मोहब्बत जो है वो बच्चे बच्चे के दिल में उतर चुकी है। नाज़रीन ये वीडियो जब से मैंने देखा तो दिल झंझोड़ गया कि आखिरकार बच्चा किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को लेकर दुआएं दे रहा है और किस तरीके से दुआएं देते हुए उसके आँख से आंसू निकल पड़ते हैं। आखिरकार वो आंसू किस तर्ज पर है और वो आंसू क्यों रो रहा है, वो आंसू उसकी आंखों से क्यों निकल रहा है, ये सारी बातें हम आपको बताने जा रहे हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को लेकर जो जुम्मन भाई ये कह रहे हैं, जो मुसलमान ये कह रहे हैं, जुम्मन से मुतालिक मेरी यही बात है कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पर जो मुसलमान भाई इल्जाम आयद कर रहे हैं कि बीजेपी की टीम है, बीजेपी का एजेंट है और तरह तरह के इल्जाम आयद किए जा रहे हैं। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को वोट रखने के तौर पर देखा जा रहा है, तो इसी को लेकर इस बच्चे के दिल में यही बात करती है कि आखिरकार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को ये मुसलमान किस निगाह से देख रहा है। आखिरकार इस मुसलमान भाई का बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने क्या बिगाड़ा है जो इन पर घिनौने इल्जाम लगाए जाते हैं। तो देखिए कि किस तरीके से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की बेपनाह मोहब्बत जो है ये दिख रही है इस बच्चे के दिल में कि ये बच्चा जो है रोता है। जब मीडिया वाला इससे सवाल करता है तो वो एक शेर भी पढ़ता है और वो असदुद्दीन ओवैसी के जिंदाबाद के नारे लगाता है तो उसके आँख से आंसू बहने लगते हैं। नाज़रीन इस बच्चे ने बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब से मुलाकात भी की है। ये बच्चा सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है और इसके जज्बे को सलाम है कि वो इस तरीके से बातें रख रहा है मीडिया के सामने। उसे ये डर नहीं है कि मेरे भाई और मेरे माँ बाप या मेरे मोहल्ले और मेरे गांव वाले मेरे पर कुछ कर सकते हैं, लेकिन नाज़रीन वो उसने सच्चाई बयान कर दी, उसने हक बात बता दी कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हमेशा सिर्फ मजलूमों की आवाज़ उठाते रहे हैं, लेकिन मुसलमान भाई आखिरकार इतना इल्ज़ाम, इतना बड़ा इल्ज़ाम क्यों आयद कर रहा है। नाज़रीन इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस बच्चे के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस बच्चे की उम्र में बरकत अता फरमाए, इस बच्चे की बात सुनकर उन मुसलमान भाई के रहम को नरम कर दे जो कि ओवैसी को लेकर सख्त हैं और ओवैसी की मुखालिफत कर रहे हैं। तो नाज़रीन इस वीडियो के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत है, जो मुसलमानों तक पहुँचाने की ज़रूरत है जो अभी भी इल्ज़ाम में जुटे हुए हैं और पैर खींचने के चक्कर में लगे हुए हैं कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को किसी तरीके से नीचा दिखाया जाए और उन पर इल्ज़ाम आयद किए जाए। तो नाज़रीन सोशल मीडिया पर अभी असदुद्दीन ओवैसी साहब के हवाले से यही बच्चा वायरल हो रहा है। इस वायरल वीडियो को लेकर आपका क्या कहना है ये भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।